दोस्तों आज हम अपने गांव में घूम रहे हैं और गांव में जो खजूर लगे होते हैं उनको खाने के लिए आए हैं। और आप देखेंगे हमारे गांव में एक रेलवे स्टेशन भी है, जो कि देखेंगे पीछे से ट्रेन भी निकल रही है। तो आइए हम आपको आज खजूर दिखाते हैं, खजूर के पेड़ कैसे होते हैं, उस पर खजूर आते हैं और हम उन्हें तोड़ तोड़ के कैसे खाते हैं, वो सारा आज हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो है ये मेरा भाई पंकज, हाय। और तो ये आपको खजूर के पेड़ सामने अभी मैं दिखाने वाला हूँ। तो पीछे की तरफ खजूर के पेड़ है जो कि मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो आप अगर देख पाते होंगे तो ये पीछे खजूर के पेड़ लगे, इनके ऊपर खजूर भी लगे हुए हैं जो कि मैं अभी तोड़ने वाला हूँ। जो पक गए होंगे उन्हें तोड़ के हम लोग खाने वाले हैं। तो अभी मेरा भाई रास्ते में जो पत्थर पड़े होते हैं उनको ढूंढ रहा है। तो अभी इन्हें तोड़ेंगे कि पके हुए जो खजूर होंगे वो नीचे आ जाएंगे, उन्हें हम खाने वाले हैं। तो ये मेरे भाई को एक पत्थर मिल गया है और मेरा भाई अब इसे खजूर एक मिल गया है और ये खजूर बिल्कुल पका हुआ है, इसने खा भी लिया, मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो अभी मैं भी ढूंढने वाला हूँ। आपको दिखते होंगे ऊपर रेड कलर के बहुत सारे खजूर का गुच्छा, जिन्हें हम अभी तोड़ के खाने वाले हैं। तो अभी ये मेरा भाई पत्थर ढूंढ रहा है और मैं एक हाथ से अपने फ़ोन को पकड़े हुए हूँ। तो मेरे भाई को पत्थर मिल चुका है, अब ये खजूर तोड़ने के लिए जा रहा है और इसने खजूर पे मार दिया है। तो एक पत्थर से अभी तक कोई भी खजूर नहीं गया, तो इसका निशाना थोड़ा कम है, मैं ही उठा के मार देता हूँ एक। तो ये मेरे हाथ में ये पत्थर, अब इसे मैं मारने वाला हूँ, थोड़ा इसका निशाना कमजोर है। और बचपन में मैं मेरा भाई बहुत सारे खजूर तोड़ के घर पे ले जाते थे सुबह शाम दोनों टाइम। लेकिन जब से बड़े हुए हैं तब से मतलब बिजी लाइफ सी हो गई है और जो गांव में पहले एंजॉयमेंट होता था हमारा वो सारा बंद हो चुका है। अब हम पढ़ाई लिखाई में लग गए और हमारा भाई अब जॉब करता है, तो ये जॉब में व्यस्त रहते हैं और मैं यूट्यूब क्रिएटर बन चुका हूँ और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हूँ। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे पेड़ पे, हमें खजूर नहीं तोड़ मिले थे। एक और पेड़ है जो कि सामने को छोटा है, ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं है, उस पे से हम खजूर तोड़ने वाले हैं। तो ये सामने जो पेड़ दिख रहा है इस पे बहुत सारे गुच्छे लगे हुए हैं, इस पे से हम खजूरों को तोड़ने वाले हैं। तो इस पे काफी ज्यादा पके हुए खजूर लग रहे हैं और भाई ने पत्थर मार दिया है और इस पे बहुत सारे खजूर गिर पड़े। तो यहाँ पर बहुत सारे खजूर नीचे की तरफ गिर गए हैं, तो इनको देख रहे हैं हम कौन से पके हुए हैं। तो ये पका हुआ खजूर है, तो इस तरीके के जो खजूर है वो पक चुके हैं, इन्हें हम खाने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे खजूर आपको दिखते होंगे। तो ये खजूर पक चुके हैं, और जो गांव में तोड़ के हम खजूर खाते थे वो काफी ज्यादा मीठे भी लगते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मीठे खजूर होते हैं, लेकिन इनका जो बीज होता है वो काफ़ी बड़ा निकलता है इनके अंदर। तो दोस्तों ये हमने थोड़े से खजूर तोड़ रखे हैं और इन्हें हम खाने वाले हैं, काफ़ी अच्छे खजूर हैं और बिल्कुल पके हुए हैं। मेरे भाई अपने खजूर दिखा रहा है, इसके पास जा रहे हैं, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों आपके लिए खाना हो तो आपको मेरे यहाँ आना पड़ेगा। तो यहाँ रेलवे स्टेशन के जो साइड में बहुत सारे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो पहले हम यहीं पे खाने आते थे, पूरे दोपहर ही बार हम यहाँ पर खजूर ही खाते रहते थे। तो अब हम आपको अपना रेलवे स्टेशन दिखाने वाले हैं, जिसका नाम है चनेटी रेलवे स्टेशन, जो कि बरेली में पड़ता है। तो अभी रेलवे स्टेशन के पे से एक ट्रेन भी गुजरने वाली है, हॉर्न बजा रही है, तो उसका भी सीन हम दिखाने वाले हैं। तो आप इधर से देखेंगे कि एक ट्रेन गुजर रही है जो कि पैसेंजर ट्रेन है, ट्रेन गुजर रही है हमारे इधर से। तो ट्रेन निकल चुकी है।
चलिए अब आपको रेलवे स्टेशन दिखा देते हैं। तो ये आपको दिखता होगा रेल की पटरियाँ और इस पे से ट्रेन गुजरती है। बहुत सारी पटरियाँ हैं, यहाँ पे एक ट्रेन भी खड़ी है जिसके ऊपर जिसके अंदर से सीमेंट उतारा जा रहा था। और यहाँ पर एक ट्रेन और खड़ी है जो कि मालगाड़ी है जिसमें सामान आया हुआ है कुछ। अभी थोड़ी देर पहले एक डीजल की गाड़ी भी निकल के गई थी जिसके अंदर डीजल लदा हुआ था। तो ये आगे पूरा स्टेशन है और इसके थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर चनेटी स्टेशन है। वहाँ पर ट्रेनें रुकती हैं, पैसेंजर्स बैठते हैं। हमारे बरेली में 4 से लगभग 5 स्टेशन हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा स्टेशन है वो बरेली जंक्शन ही है। तो यहाँ पर से ट्रेनें गुजरती हैं। और ये पीछे की तरफ पूरा हमारा गांव है, गांव की टंकी है। बाकी इधर की तरफ खेत है गांव के, और इधर गांव है पूरा बसा हुआ। आपको एक घर भी दिखता होगा, पेड़ों की वजह से ये घर आपको दिखते नहीं होंगे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग सिर्फ इतना ही। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। बाकी दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें और कमेंट करके हमें जरूर बता दें कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। बाकी दोस्तों मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।